कौन सा वैरायटी कर रहे हैं अभी? ये रोजी वैरायटी है। वो जो गाछ है नीचे उसका एज कितना है? एक वर्ष का गाछ। कत दिन रखते हैं बेटा? 15 डेज। सेट में रखना होगा और पानी फानी नहीं देना होगा, जल फल नहीं देना होगा? तो नीचे में पानी देना होगा, ऊपर से नहीं लगेगा। ओके, ये प्लास्टिक स्पेशल प्लास्टिक है ना, क्या मतलब? नॉर्मल प्लास्टिक है। नॉर्मल प्लास्टिक। आप सिर्फ ग्राफ्टिंग करते हैं ना, और कुछ करते हैं? है ग्राफ्टिंग होता है। ओ बच्चे, आपने किसी को ग्राफ्टिंग करे ना? उन लोगों के ना उन लोग किसी को रही ग्राफ्टिंग समय ग्राफ्टिंग है। डेली ग्राफ्टिंग होता है इतना मतलब? है डेली ग्राफ्टिंग। ये सब एक साल का गाछ है ना? एक साल का। अब वो ये आडे ने मोबेसम ये गाछ में देखिए स्ट्रेट है ये, ऐसा इतना ब्रांचिंग अपने से हुआ बिना प्रूनिंग के? अपने से हुआ। मतलब क्या रीजन? मतलब सेम वैरायटी का नहीं ना, अलग वैरायटी है? सेम वैरायटी फिर भी अपना इतना ब्रांचिंग हो गया। कम खाद ये कम खाता है, वो ज्यादा खाता है, वो मोटा हो गया। गाछ में ज्यादा फूल के लिए क्या करना होगा? फूल के लिए वो सुपर फॉस्फेट देना होगा। सुपर फॉस्फेट। सुपर फॉस्फेट है भी वेरे, ये এটা হচ্ছে ট্যাবলেট ভেরে ট্যাবলেট ট্যাবলেট। ये बोलते हैं भी वैरायटी, भी कटिंग। ये अलग पॉलिसी है। एक हो गया वी और एक हो गया फ्लैट, ये टैबलेट है। टैबलेट और ये ज़्यादा फूल के लिए गाँच को बाहर में 7-8 दिन मतलब माटी से निकाल के रखना होता है, वो क्यों होता है? क्यों ना पता है ये इसमें खोल के रखने से रोस्ट जो पानी है ना, एक्स्ट्रा पानी है वो सूख जाएगा तो अच्छी होगा। हर साल करना जरूरी है? है। जब मट्टी चेंज करेगा तब फिर बाहर निकाल के रख देगा। है। फिर जाके फिर लगा देगा दूसरे गाँच भालो ग्रो कर। अगर ये चीज़ है ये सेम वैरायटी है? हाँ वो सेम वैरायटी है। आप अरबिकम वगैरह में ग्राफ्टिंग करते हैं ना, वो नॉर्मल जो अरबिकम? उसका फूल और नॉर्मल का फूल में क्या डिफरेंस होता है? अरबिकम का फूल और वो छोटा फूल है, छोटा फूल होता है वो, इसमें बहुत सारे ब्रांच होता है और ये तो ऑर्डिनरी है। ये खाद कम के लिए ये लंबी हो जाता है। मतलब ये खाद कम हुआ इसलिए लंबा हो गया, इधर ज्यादा ब्रांच हो गया ना? ज्यादा ब्रांच हो गया। अच्छा, ऑटोमेटिक ब्रांच हो गया। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर।